Standard 5, History. My dear students, we are going to start the first lesson of history, that is, what is history? In this lesson, we are going to study the following points. History, a science that tells us about events in the past, the scientific method of history, history and us, the past and future. Okay, so let's start the lesson. History, a science that tells us about events in the past. क्या होता है हिस्ट्री? हिस्ट्री मीन्स वो एक साइंस है, एक स्टडी है जिसमें वो बताते हैं हमें, दैट टेल्स अबाउट द इवेंट्स इन द पास्ट. इवेंट यानी हैपनिंग, क्या क्या इंसिडेंट हुआ, क्या क्या घटनाएं हुए कभी इन द पास्ट. पास्ट मीन्स गया हुआ वक्त में, हमें थोड़ी मालूम है गए हुए वक्तों में क्या हुआ, हमसे पहले, हम ये धरती में जन्म लेने से पहले क्या क्या हुआ. ऑल दिस डिटेल्स विल गेट फ्रॉम हिस्ट्री. लास्ट ईयर इन स्टैंडर्ड 4 वी स्टडीड द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज मिशन ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज. लास्ट ईयर जब हम फोर्थ स्टैंडर्ड में थे तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का बारे में, उनके लाइफ के बारे में और उनका मिशन. मिशन मतलब उन्होंने कुछ काम अपने हाथ में लिए हुए थे वो कंप्लीट करने के लिए और उन्होंने पूरे कंप्लीट किए. दैट वाज एस्टैब्लिशिंग स्वराज, स्वराज लाना यानी यहाँ से मुगल लोगों को वगैरह महाराष्ट्र से दूर करना और महाराष्ट्र में अपना ही राज्य, अपना ही रूलिंग करे, सभी महाराष्ट्रियंस को आज़ादी मिले. दैट वॉज स्वराज. द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अबाउट 400 ईयर्स बिफोर नाउ. और इन द अदर वर्ड्स द टाइम 400 ईयर्स एगो. शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र में कहाँ पर थे, मतलब कितने साल पहले थे, करीब 400 साल के पहले. सो वी से द टाइम दैट 400 ईयर्स अगो. फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइड टाइम इन डिफरेंट वेज. हमारे कन्वीनियंस यानी कौन सा काम हमको आसान लगता है, हमारे आसानी के हिसाब से, हमारे ईजी कैलकुलेशन के हिसाब से हमने टाइम को अलग अलग तरीके से डिवाइड किए हैं. ऑफन वी यूज वर्ड्स लाइक नाउ, सम टाइम अगो, आफ्टर सम टाइम, और टुडे, यस्टरडे, टुमोरो, और दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, एक्सेट्रा. हम टाइम को इस तरह बताते हैं ना, अरे अभी, थोड़े देर पहले, थोड़े देर के बाद, आज, कल, है ना, बीते हुए कल या आने वाले कल या एक साल या फिर इसी साल नहीं तो अगले साल, ये सब तरीके से हम बोलते हैं. जो ये सब किसको डिनोट करते हैं, टाइम को. ओके, व्हेन वी यूज दीस वर्ड्स वी आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम इन आवर माइंड्स. जब हम ये जो वर्ड्स पूरे यूज करते हैं, कल, आज, टुमोरो, यस्टरडे, डे आफ्टर टुमोरो, आफ्टर वन वीक, नाउ, ये सब वर्ड्स यूज करते तो ऑटोमेटिकली टाइम हमारे दिमाग में आ जाते हैं. Now, today and this year are terms that indicate the present. अगर हम बोलेंगे now means अभी, today यानी आज, this year यानी इस साल, इसका मतलब क्या होता है, अभी वो चल रहा है, वो time अभी है. Now means अभी, that means it's going on now. So that is present. Present means अभी जो चल रहा है उसको present कहते हैं. Sometime ago, yesterday, last year, ये सब क्या हो गया, बीत गया, कुछ time पहले, बीते हुए कल में, गया साल में, that means it is past. Okay, they indicate past. That means all those time passed away, finished. After some time, tomorrow, next year, yane kuch time ke baad, ya agle saal, ya aane wale kal, ye sab bolenge to kya ho jayega? The coming time. Abhi tak wo hua nahi hai. So that is called future. These words indicate future. So here in short, what is given? The time that had already gone is the past. The time that we are in now is the present. The time that is yet to come is the future. वो time जो already gone यानी it's past, over, complete हो गया है तो ये past बोलते हैं. The time that we are in now, अभी जो वक्त में हम है उसे present कहते हैं. The time that is yet to come यानी वो जो वक्त जो अभी आने को बाकी है, आने वाला है, that is future. The past includes many events that have already taken place. Past में ऐसे बहुत सारे, include means उसके अंदर है बहुत सारे event, बहुत सारे incidents, बहुत सारे घटनाएं, that had already taken past, जो पहले ही
हो चुके हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर 10 ईयर्स ओल्ड टूडे, इट मीन्स दैट द इवेंट ऑफ योर बर्थ हैपेंड 10 ईयर्स अगो इन द पास्ट. आज आपका उम्र अगर 10 साल के हैं, आप आज अगर 10 साल के हो, तो आपने आप जब जन्म लिए वो कितने साल पहले होंगे? 10 साल पहले. 10 साल पहले एक दिन ऐसा होगा जब आप यू केम टू दिस वर्ल्ड या यू गॉट योर लाइफ, आपको मतलब आपका जन्म हुआ. तो 10 साल पहले जो था, जो आपका बर्थ था, दैट इज द पास्ट. सिमिलरली आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और आज से अगर 10 ईयर्स के बाद, इन फ्यूचर यू विल बी ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड. आप कितने साल के हो जाएंगे? 20 साल के हो जाएंगे. आप कॉलेज में जाने लगेंगे, बराबर. सो द टाइम गॉन बाय बिटवीन टुडे एंड द डे ऑफ योर बर्थ इज योर पास्ट. तो पास्ट क्या हुआ? आप जन्म लिया और आज जितना है आप, आपका बर्थ से लेकर आज तक का जो टाइम है उसको पास्ट कहते हैं. जो आज का टाइम होता है उसको प्रेजेंट कहते हैं. आज के बाद 10 साल तक, आने वाले 10 साल तक, यानी आप जब 20 साल तक हो जाएंगे, वो पूरे अभी हुए नहीं है, वो होने वाला है, दैट इज फ्यूचर. ओके, द टाइम गॉन बाय बिटवीन टुडे एंड डे ऑफ योर बर्थ इज पास्ट, द पास्ट इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन. देखो यहाँ पर इमेज दिया है बच्चों, पास्ट दिख रहे हो आपको यहाँ पर, ये देखो पास्ट. डे ऑफ बर्थ यानी आप जन्म लेने का दिन, वो कभी है? 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले है. प्रेजेंट यानी नाउ, नाउ यू आर इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, यू आर 10 ईयर्स ओल्ड, दैट इज टुडे, इट्स कॉल्ड प्रेजेंट. ओके, नाउ इन फ्यूचर आफ्टर 10 साल, 10 ईयर्स के बाद क्या होगा? वो फ्यूचर होंगे, आपका एज 20 हो जाएगा, बराबर. यानी आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर. ओके, द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री. सो वॉट इज हिस्ट्री? द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट्स, वो साइंस जो बीते हुए इंसिडेंट को, बीते हुए जो हैपनिंग्स है उसके बारे में, उसको समझाने के लिए जो साइंस बना गया हुआ है, या उसके बारे में डिटेल में देने के लिए जो साइंस बना है, दैट साइंस इज हिस्ट्री. Now the scientific method of history. In standards 3rd and 4th, as part of environmental studies, we have come acquainted with various sciences. 3rd standard or 4th standard में हमने environmental studies यानी EVS में बहुत सारे अलग अलग किस्म के science के बारे में पहचान किए हैं. The special characteristics of all these sciences is that their facts or evidence can be tested in experiments which can be repeated anywhere, anytime. कोई भी साइंस हो, अभी हम साइंस में पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, या फिर हम साइंस में पढ़ रहे हैं कोई प्लैनेट के बारे में, है ना, या फिर हम कोई और चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ क्या बोलते हैं इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, या कुछ भी इस तरह पढ़ते हैं, या फिर नेचर किससे बने हुए, ये सब पढ़ने के लिए सभी साइंस जो कुछ भी है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट हम किया करते हैं. बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग होते हैं, उन लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में. ओके, और वो कहीं भी वो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके देख सकते हैं. अगर एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और दुनिया को बता दिया ऐसी ऐसी बात है, तो वही सेम एक्सपेरिमेंट चाहे हमारे पास भी वो सब सामान है, तो हम भी रिपीट करके उसको स्टडी कर सकते हैं. द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द एविडेंस इज रिलायबल इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड. अभी कुछ प्रूफ मिला, कुछ नया एक डिस्कवरी हो गया, नया कोई इन्वेंशन हो गया, उसका दुनिया में सब जगह में पता चल गया ऐसा एक इन्वेंशन हुआ है, तो समझो वो कितना जेन्युइन है, कितना रिलायबल है, यानी उस पर कितना भरोसा हम कर सकते हैं सच में है या नहीं. अभी देखो कोरोना वायरस निकले, कोरोना वायरस का वैक्सीन निकल गया करके बीच में आवाज़ सब जन बहुत अफवाह फैलाने लगे, तो क्या करेंगे? उसके बारे में स्टडी करेंगे, सच में जो निकला हुआ रियल वैक्सीन है या उससे काम आता है, उसके बारे में अगेन एंड अगेन स्टडी करते हैं. ऐसा साइंस के मदद से जो स्टडी रिपीटेडली करते हैं उसको कहते हैं, यानी वो रिलायबल है, यानी उस भरोसे के लायक है या नहीं वो जो डिस्कवरी, उस स्टडी किसके थ्रू होता है? साइंटिफिक मेथड. ऐसा स्टडी करने इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स टू रिक्रिएट द इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट. मतलब है ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो बीता हुआ कल में पहले पहले जो बने हो गए थे, जो इंसिडेंट्स है, जो इवेंट्स है, उसको वापस से हम क्रिएट नहीं कर सकते.
अभी समझो बहुत साल पहले थर्ड वर्ल्ड वार, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो क्या उसके बारे में स्टडी करने के लिए हम वापस से वो वर्ल्ड वार को यहाँ पे ला सकता है क्या? इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अभी साइंस जो है, जनरल साइंस, उसमें हमें कोई प्लांट के बारे में, जो पुराने ज़माने के कोई प्लांट है या कोई भी चीज़ के बारे में हमें स्टडी करनी है, तो उसका कोई रिमेन्स को हम स्टडी करने के लिए हम वो सिचुएशन को, अभी समझो कि एक एटम आप आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर उसके बारे में स्टडी करनी है, या फिर सन जो है उसके बारे में स्टडी करना है, टेलीस्कोप यूज़ करो और उसके अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करो और उस सिचुएशन को हम फिर से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री में फिर से क्रिएट करना पॉसिबल, देयरफॉर द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग हिस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर साइंसेस। इसलिए बाकी सब साइंस से हिस्ट्री का मेथड थोड़ा सा अलग है। इवन सो हिस्ट्री यूजेस द साइंटिफिक मेथड एट एवरी स्टेज, नेमली व्हाइल लुकिंग फॉर एंड कलेक्टिंग एविडेंस। हिस्ट्री भी साइंस को यूज करते हैं, हिस्ट्री में भी साइंटिफिक मेथड यूज होता है, जैसे कि व्हाइल लुकिंग फॉर एंड कलेक्टिंग एविडेंस। अभी कोई भी चीज़ को पुराने ज़माने में ये हुआ बोलने पर हम ऐसे ही यकीन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले उसका प्रूफ ढूंढेंगे। तो ये प्रूफ ढूंढते वक्त साइंस के यूज़ होता है, और एग्जामिनिंग द एविडेंस, और ये प्रूफ ढूंढ कर निकाला तो उसको एग्जामिनिंग करेंगे, यानी उसको चेक करेंगे ये कितने साल पुराना है वगैरह वगैरह, एंड वाइल पुटिंग इट टुगेदर, और उसको सभी प्रूफ को ऑर्डर में रखने पर भी हम साइंस का मदद लेते हैं। व्हेन रिक्वायर्ड हेल्प इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम अदर साइंसेस, कभी ज़रूरत पड़ने पर दूसरे साइंस का भी मदद हिस्ट्री वाले, हिस्ट्री हिस्टोरियंस बोलते, जो हिस्ट्री को बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले लोग होते हैं उनको हिस्टोरियंस कहते हैं, तो उन लोग ये सब साइंस का, दूसरे साइंस का भी मदद लेते हैं। दैट इज़ वाई हिस्ट्री इज कंसिडर टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। इसीलिए यानी हिस्ट्री अकेले हिस्ट्री से पूरे पढ़ाई नहीं होती है, हिस्ट्री में कोई कोई चीज़ को प्रूफ कर देने के लिए दूसरे साइंस का भी यूज़ करनी पड़ती है। इसके लिए हिस्ट्री को क्या कहते हैं, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन ऐसा कहते हैं। हिस्ट्री इज नॉट रिटन सोलली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन, ऐसा एक जन बैठकर इमेजिनेशन किया, यानी कि ऐसा सोचा पहले ऐसा हुआ होगा, स्टोन एज वाले होंगे और उसके बारे में ऐसा वैसा इमेजिन करके, ये कुछ भी नहीं, ऐसा मत सोचो कभी कि हिस्ट्री में बोल रहा है कि पहले पुराने ज़माने में बंदर लोग होते थे, फिर या फिर स्टोन एज लोग होते थे, उन लोग कच्चा कच्चा चीज़ें खाते थे, ये सब ऐसे ही इमेजिन करके बनाया नहीं है। इसके लिए सब बहुत सारे प्रूफ है, बहुत सारे एविडेंसेस, एविडेंस यानी प्रूफ होता है, और वो प्रूफ को अच्छा से साइंटिफिकली स्टडी किया है, साइंस की मदद से स्टडी किया है, फिर जाके इसका यकीन किया हुआ है। एंशियंट ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, पॉट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉपर प्लेट्स, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड सॉन्ग्स रिमेंबर्ड ओवर मेनी जनरेशंस एक्सेट्रा आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री यानी सोर्स मतलब क्या होता है, कोई जगह में से हमें मिलता है कोई चीज़, अगर कोई स्वयं से जगह में से मिलता है तो उस जगह को हमें हम कहते हैं सोर्सेस। तो हिस्ट्री का सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला है। एंशंट ऑब्जेक्ट पुराने चीज़ें, स्ट्रक्चर पुराने, कोई बिल्डिंग विल्डिंग वगैरह बनाया तो उसका स्ट्रक्चर, स्कल्पचर, स्कल्पचर बोलेगा तो स्टैच्यूज या फिर मूर्तियाँ जो बनाते हैं ना उसको स्कल्पचर कहते हैं, और पोट, पोट यानी मटका है, कॉइन्स, कॉइन्स बोलेंगे तो हाँ जो पैसे के, जैसे पैसे का जो सिक्का होता है ना कॉइन, इंस्क्रिप्शन यानी कभी पत्थर पे लिखा हुआ या कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ ऐसा किधर भी खोद खोद के अक्षरे बनाया हुआ उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। कॉपर प्लेट, कॉपर का, कॉपर यानी तांबा, तांबे का पतला प्लेट जिसमें कुछ लिखे हो। बुक्स, काफ़ी सारे बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट बोलेगा तो वो पेपर या बुक जिसपे हाथ से लिखा हुआ है, प्रिंट किया हुआ नहीं है, हाथ से लिखा हुआ, उसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। ट्रेडिशनल स्टोरीज यानी पुराने ज़माने से बोलते बोलते आया हुआ स्टोरीज, एंड सॉन्ग्स, सॉन्ग्स रिमेंबर्ड ओवर मेनी इयर्स, सॉरी मेनी जनरेशन, बहुत सालों से पहले, बहुत सारे पीढ़ी जनरेशन ने अलग अलग नए नए पीढ़ियों से सुनते आए हुए सॉन्ग एक्सेट्रा, ये सभी को क्या कहते हैं, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप के सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री होते हैं, एक मटेरियल सोर्स, दूसरा रिटन सोर्स एंड तीसरा ओरल सोर्सेस। मटेरियल सोर्स, रिटन सोर्स, ओरल सोर्स। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट एंड हाउ इट हैपेंड, एविडेंस अवेलेबल फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेस इज कलेक्टेड एंड थरोली एग्जामिन टू डिटरमाइन इट्स रिलायबल।
in order to find out what happened in the past and how it happened. ये फाइंड आउट करने के लिए भी पहले क्या हुआ था, पहले बहुत पहले ज़माने में, और कैसे हुए. एविडेंस अवेलेबल फ्रॉम ऑल दी सोर्सेस इज कलेक्टेड. ये जो मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स, ओरल सोर्स बोले ना, उसमें से जो चीज़ें मिलेंगे वो सब कलेक्ट करेंगे एंड थरोली एग्जामिंड, और उसको अच्छी तरह चेक करेंगे टू डिटरमाइन इट्स रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी यानी उस पर कितना हद तक हम यकीन कर सकता है, उसका रियलिटी, उसका मतलब सच्चाई कितना है, वो जानने के लिए पूरे स्टडी करेंगे. विद द हेल्प ऑफ द एविडेंस दैट स्टैंड्स दिस टेस्ट पास्ट इवेंट सपोर्ट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड हिस्टोरिकल अकाउंट इज रिटन. और पूरे चेक करने के बाद और उसको वापस टेस्टिंग करने के बाद सभी प्रूफ देखेंगे, सभी एविडेंस देखने के बाद पहले का जो स्टोरी है, पहले का जो इंसिडेंट है, उसको लाइन से प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेते हैं. तो ऐसा लिखा हुआ एक रिटर्न वर्क को कहते हैं हिस्टोरिकल अकाउंट. तो इस तरह दिस इज द साइंटिफिक मेथड. इस तरह जो करते हैं हिस्ट्री को स्टडी करके, उसका पूरा टेस्टिंग करके, सच्चे के नहीं चेक करने के बाद जो हिस्ट्री का बुक्स बनाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं साइंटिफिक मेथड. नाउ हिस्ट्री एंड अस. The study of science helps us to find the answers to many questions. For example, environmental science studies the problems of gradation of the environment, pollution, etc. and looks for their solutions. अभी हम जो साइंस का स्टडी करते हैं, हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मदद करते हैं. अभी देखो कोरोना आया है, साइंस में अभी बहुत स्टडीज चल रहा है, साइंटिस्ट लोग सब बहुत ही परेशानी से बहुत ही कोशिश कर रहा है इसका मेडिसिन फाइंड आउट करने के लिए. तो साइंस में जो कुछ भी स्टडीज होती है वो कोई ना कोई फ़ायदे के लिए होता है. जैसे हमको जानकारी मिल जाता है एनवायरमेंटल स्टडी करने की वजह से, EVS का जो स्टडी करने की वजह से, कैसा एनवायरनमेंट यानी हमारे वातावरण, हमारे आसपास के एरिया, पूरे अर्थ कैसे खराब होते जा रहा है, पोल्यूशन कैसा हो रहा है. पोल्यूशन मतलब हमारा अर्थ किस तरह खराब हो रहा है, अर्थ मिट्टी पानी, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ऐसा पोल्यूशन किस तरह हो रहा है, ये सब स्टडी साइंस हमें हेल्प करता है. इन द सेम वे एवरी साइंस हैज इट्स ओन एरियाज ऑफ स्टडी. हिस्ट्री स्टडीज इवेंट्स ऑफ द पास्ट. इसी तरह हिस्ट्री भी एक साइंस ही है. वो हमें कौन सा नॉलेज देता है पास्ट के बारे में, यानी जो बीते हुए कल है, बीते हुए सालों हैं, या बीते हुए पीढ़ियों के, या बहुत स्टार्टिंग से लेकर अब तक का पूरे स्टोरी बताते हैं. इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिजल्ट. अगर इंसान अकेले या मिलकर झुंड में अगर काम करेंगे तो भी उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है. दे रिजल्ट इन एन एनवायरमेंट दैट मे बी ईदर फेवरेबल और अनफेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी. और इंसान का ये काम के वजह से कभी एक फेवरेबल फर्क मतलब चेंजेस हो सकता है, या फिर एक अनफेवरेबल हो सकता है. जैसा अभी समझो एटम के बारे में स्टडी किया, एटम बम बनाया, तो वो फेवरेबल है, बिल्कुल नहीं, अनफेवरेबल है, क्योंकि इंसान के लिए नुकसानदायक है. ठीक है, अब समझो कि दूसरा एक स्टडी किया, मेडिसिन बनाए, वो फेवरेबल है, यस. तो इस तरह अलग अलग स्टडीज का और अलग अलग एक्टिविटी का, इंसान का अलग अलग काम का कुछ ना कुछ नतीजा होता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है सोसाइटी के लिए. सोसाइटी यानी जो हमारे आसपास हम दिखते हैं वो हमारा सोसाइटी है, जहाँ पर हम रहते हैं वो हमारा सोसाइटी है, समाज बोलते हैं हिंदी में. दिस अफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ. अगर ऐसा कुछ चेंजेस हो गया तो क्या होगा, हमारा रोज का लाइफ में इसका असर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द पीपल ऑफ अ विलेज वर्क टुगेदर एंड हेल्प वन अनदर द विलेज मेक्स गुड प्रोग्रेस. समझो एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, एक कोई एक गांव है, वहाँ के लोग सब मिलजुल कर कुछ काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो अच्छा एक रिजल्ट होगा, क्योंकि उनके मिलजुल कर जो काम है उसके वजह से उनका लाइफ और आगे अच्छा हो जाएगा. However, if the people cannot come together, it puts obstacles in the way of its development. लेकिन समझो कि कुछ काम के लिए स्टार्ट किया, लेकिन सभी लोग आगे आ नहीं रहे हो काम करने के लिए, सब लोग मिल नहीं रहे काम के लिए, जुड़ नहीं रहे एक साथ, तो क्या होगा, वो काम प्रॉपरली नहीं होएगा, उसके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होएगा, यानी बहुत सारे रुकावटें होंगी. History attempts to find out answers to many questions by studying the way of thinking of past societies. हिस्ट्री क्या करने का कोशिश करता है, पहले के सोसाइटी, पहले के पीढ़ी में लोग कैसे रहते थे, उन लोग क्या क्या करते थे, क्यों हमें ये सीखना है, क्योंकि उनके गलतियों से हम सुधार सकते हैं, अपना गलती नहीं होने से, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना. अगर हम बचपन से अगर हमारे पेरेंट्स को या दूसरे लोगों को कुछ अच्छे अच्छे काम करते हुए देखेंगे तो ही हम अच्छा ही सीखेंगे.
उन लोग हमको पहले करके दिखाते, उनके एक एक एक्टिविटी से हम समझ सकते कि हाँ ये ऐसा करना होता है, ऐसा करना होता है। तो इसी तरह हम अगर हमारे पहले के लोगों को, पहले के मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे तो ही उनका नॉलेज मिलेगा, तो ही हमें पता चलेगा ना कि किस तरह कोई भी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं, देयर एक्शंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, उन लोगों ने क्या किया है, क्या क्या काम किया और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, यानी उसके रिजल्ट्स क्या है। दिस स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स इट पॉसिबल, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट फेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये जो हिस्ट्री का स्टडी से हमें ये जानकारी मिलती है कि इंसान का प्रोग्रेस के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, बहुत तरक्की करने के लिए क्या सही है, व्हाट इज फेवरेबल एंड व्हाट इज नॉट फेवरेबल, क्या सही नहीं है, ये समझ में आता है हिस्ट्री सीखने से। हिस्ट्री दस प्रोवाइड्स अस विद द गाइडलाइंस अबाउट हाउ वी शुड बिहेव टुडे इन ऑर्डर टू शेप अ गुड फ्यूचर। तो हिस्ट्री हमें क्या सिखाता है, किस तरह हमें अभी बिहेव करना चाहिए ताकि हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छे तरीके से हो। By telling us the life stories of great people, history also serves to inspire and to motivate us. Life story अगर किसी बड़े बड़े लोगों का, जैसे कि महात्मा गांधी का life story सुनाया या मदर तेरेसा का life story सुनाया, अब्दुल कलाम का life story सुनाया, तो क्या होगा, हमें inspiration मिलता है। तो वो history का एक काम है, हमें inspiration देना, यानी कि आगे बढ़ने का, बहुत अच्छे अच्छे काम करने का हमें जोश आ जाएगा। By studying history, we get to know about the give and take that took place between our own and other civilization. और history study करने की वजह से हमें ये पता चलेगा लोग चीज़ें कैसे लेन देन करते थे, तो हमें भी आगे एक दूसरे को लेन देन करके या business करके, trade करके आगे बढ़ने का experience मिलता है। We learn about the progress of human civilization. हम इंसान के civilization के बारे में study करेंगे। Civilization क्या होता है, कुछ अच्छे change जिसकी वजह से लाइफ आगे बढ़ते हैं, उसे सिविलाइजेशन कहते हैं। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ पीपल्स वे ऑफ लाइफ वेंट ऑन चेंजिंग। और ये भी हमको हिस्ट्री में से सीखने मिलता है कि पहले लोग किस तरह रहते थे, उनका वे ऑफ लाइफ, उनका रहने का तरीका, ढंग कैसा था, और कैसे धीरे धीरे उन लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया और उसके बाद आज तक के, आज का जो ज़माने के जो इंसान का लाइफ स्टाइल किस तरह है, ये पूरे पैसेज स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या क्या बदलाव आया लोगों के लाइफस्टाइल में, ये हमको हिस्ट्री से सीखने मिलता है। एवरी विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री हैज इट्स ओन हिस्ट्री। हर एक विलेज का, गांव का, सिटी का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का, सबका अपना अपना हिस्ट्री होता है। सिमिलरली द अर्थ, इट्स माउंटेन्स, वाटर बॉडीज, द एनिमल वर्ल्ड, मैनकाइंड, ऑल हैव देयर ओन हिस्ट्री। हर एक चीज़ को, अर्थ का खुद का अपना हिस्ट्री होती है, माउंटेन्स का, वाटर बॉडीज मतलब क्या होता है, नदी, नाले और क्या बोलते हैं अपना सागर, ये सब का भी अपना हिस्ट्री होता है। इवन एनिमल वर्ल्ड, मैनकाइंड यानी इंसान, सभी का अपना हिस्ट्री होता है। एवरी साइंस टू हैज अ हिस्ट्री। साइंस का भी कुछ हिस्ट्री होता है, पहले कैसा था, फिर क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, बराबर। इट टेल्स अस ऑफ मेनी साइंटिफिक डिस्कवरीज दैट ब्रॉट अबाउट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड ऑफ द साइंटिस्ट हु मेड दोज डिस्कवरीज। अगर साइंस में चेंजेस नहीं होते तो आज हम जो देखते हैं वो सब फैसिलिटीज, वो सब चीज़ें नहीं होते, एरोप्लेन नहीं होता, बस नहीं होते, है ना, मेडिसिन नहीं होता, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं बनते। ये सब किसके वजह से बना, साइंस पर अचानक एक दिन में नहीं बना, इसका भी बहुत बड़ा हिस्ट्री होता है। तो हिस्ट्री में हम वो भी सीखते हैं कि साइंस भी किस तरह आगे इम्प्रूव हुआ, यानी हिस्ट्री हर फील्ड में है। Now the next is past and the future. The past, present and future are linked by the continuous chain of events. For example, the Indian people fought against British government to get independence. This is a historical action. As a result, India became an independent nation on 15th August 1947. Okay, so past, present or future, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े, एक बड़ा सा line है। पहले past हुआ, प्रेजेंट अभी चल रहा है और कुछ टाइम के बाद उसी लाइन में क्या आएगा, फ्यूचर आएगा। एग्जांपल दिया, एक टाइम था जो इंडिया के लोग ब्रिटिश के कंट्रोल में थे और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे हमें आज़ादी के लिए, और उसके बाद क्या मिला, हमें आज़ादी मिला। ये सब क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट्स है, यानी हिस्ट्री में ऑलरेडी हो चुका हुआ है। सो वी कैन से दैट इंडिपेंडेंस वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन दैट इज IE मतलब दैट इज़ द इंडियन पीपल्स स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी मिलना, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम मिलना, इट्स अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस है। किस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस है, इंडिया के लोगों का स्ट्रगल, लड़ाई का, किसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। इन दिस वे द इवेंट्स ऑफ टुडे आर लिंक्ड विद द पास्ट एक्शन। तो आज अगर हम आज़ाद है तो वो
पास्ट में हिस्ट्री में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस का लड़ाई हुए थे, आज़ादी मिला, इसलिए आज हम आज़ाद है। तो प्रेजेंट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द पास्ट। व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस वी रियलाइज दैट द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन पास्ट इवेंट्स। ये समझ में आएंगे तो हमें ये भी समझ में आएगा कि आने वाला कल भी पास्ट के ऊपर, यानी एकदम गया हुआ गुजरा हुआ कल, आज का दिन और आगे का आने वाला कल, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। दिस इज वॉट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, ये बात हम हिस्ट्री से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी लर्न दैट मैन बिगैन टू मेक टूल्स फ्रॉम मटेरियल्स अवेलेबल इन नेचर, दैट ही लर्न हाउ टू मेक यूज ऑफ फायर एंड दैट ही इन्वेंटेड द व्हील। ये सब हमने पढ़ लिए ऑलरेडी कि इंसान पहले जंगल में रहते थे और उसके बाद उन लोगों ने पत्थर से वगैरह मिलने, मतलब पत्थर वगैरह जो है उसको उठाकर स्टोन टूल्स बनाए, मतलब मट्टी खोदना है या एनिमल को मारना है, तो इसके लिए सब स्टोन से उन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। फिर उसके बाद क्या किया, उन लोगों ने फायर ढूंढ लिए, फायर मिला, तब तक वो लोग कच्चे कच्चे खाते थे, फायर मिलने के बाद चीज़ों को या जानवर को काट मारने के बाद उसको पका के खाने लगे, तो ये सब उनका लाइफ का इम्प्रूवमेंट है। द नेक्स्ट जनरेशन एडेड टू दिस डेवलपमेंट, उसके बाद का जनरेशन, उसके बाद का पीढ़ी आया तो क्या किया, उससे पहले के लोगों का जो उन लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ, उन लोगों ने यूज़ किया हुआ टेक्नोलॉजी, उन लोग आगे आने वाले लोग यूज़ किए। टेक्नोलॉजी डेवलप्ड तो फर्दर हैंड इन हैंड विद द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली इवन टूडे, ये प्रोसीजर इस तरह आगे जाते जाते रहता है। इन्वेंशंस ऑफ टूडे आर ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस ऑफ द पास्ट। अगर आज नया कोई इन्वेंशन, नया कोई चीज़ें खोज निकालते तो ज़रूर वो बीते हुए कल का फाउंडेशन में, यानी कि पहले के, जस्ट पहले लोग क्या उसके बारे में फाइंड आउट किए थे, उसी का ही स्टडी से ही आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब जो चीज़ें जिसका जानकारी के वजह से वो हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। अभी पत्थर है आसपास में, उससे लोगों ने क्या किया, स्टोनी लोगों ने पत्थर का एक एक टूल्स बनाया, तो वो तरीके को कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो देखो पुराने ज़माने में, पास्ट में, यानी कि स्टोनेज के टाइम पे टेक्नोलॉजी किस तरह था, और अभी जो टेक्नोलॉजी है उसके बाद देखो चेंजेस होते होते आए, और अभी का टेक्नोलॉजी क्या है, हमारा कंप्यूटर है ना, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी हो गया, ओके। सो दिस इज द इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रेजेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो ओनली दिस मच, एक लेसन हमने हिस्ट्री का कवर कर लिए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।